तुम्हें मैडम सर के तौर तरीके सीखने हैं. मैडम सर कैसे खाती थी, कैसे चलती थी, कैसे सबसे बात करती थी, ये सब तुमको सीखना होगा. अब तुम्हें उनकी तरह बोलचाल सीखनी है. मैडम से जिस तरीके से मैडम सर तुम्हारी तरह तू तड़ा करके बात नहीं करती थी, तहजीब और तमीज से बात करती थी. खाली उन लोग से, तुम लोग से बात नहीं करती थी? नहीं नहीं, मतलब तहजीब और तमीज मतलब ये बात करने का तरीका होता है. आप आइए, आप बैठिए, इसे तमीज से कहते हैं. उनकी जबान जो थी ना बहुत साफ थी. अपनी भी है? ऐसी साफ नहीं, मतलब तुम्हारी तरह जुबान पर मिर्च मसाला रख के बात नहीं करती थी, समझ रही हो? तो ए टकलिया, अब चाह बरोबर कब भी खाएगा क्या? महतारी कुछ सिखा रही है ना, सीखने दे चुपचाप. छोड़ो तुम, छोड़ो. हाँ, तो तुम्हें वो करके दिखाना है, ठीक है? अब पहले हम करके दिखाते हैं वो किस तरीके से बात करती थी, ठीक है? तजुर्बा कहता है हमारा, बीमार पेड़ का इलाज उसके पत्ते छांटने से नहीं होता, बल्कि जड़ से किया जाता है, समझ रही हो? हाँ, तो तुम करके दिखाओ. हो, सोपे बैठ. तरबूजा कहता है हमारा, बीमार झाड़ को उखाड़ने का. तरबूजा नहीं, तजुर्बा. तजुर्बा जनी जज, तजुर्बा. तजुर्बा माँ, ये अजूबा कहाँ से ले आए? ए टकलिया, चप्पल रखो, चप्पल रखो. अरे बार बार ऐसे चप्पल निकालना अच्छी बात नहीं है. पहन लो पैर में फिर से, प्लीज. उड़े जहाज का पंछी, उड़कर चाहे कितना भी दूर क्यों ना चल जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है. जहाज का पंछी उड़ गया. नहीं नहीं नहीं, जहाज नहीं, जहाज. वही तो बोल रही है, जहाज. उर्मिला जी, जहाज. जहाज. फिर ज, जहाज. ये तू ज्यादा ज ज पे अटकेगी ना अभी, तो मेरी सटकेगी फिर. वही तो बोल रही हूँ मैं, जहाज. इधर का उधर हुआ कि क्या फर्क पड़ता है? तुम ये बोल के दिखाओ. काकी ने काकत से कागत, कातरी ने करा करा कापले. काकी ने काका चो कुतरिया. बहुत हंसी आ रहा है शांतो जी. उर्मिला जी, देखिए आपको ना हर चीज को ना जज्बात की नजर से देखना होगा. क्या है कि मैडम सर जो थी ना, वो हर चीज को जज्बात के दृष्टिकोण से देखा करती थी. दृष्टि बोले तो? दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, नजर, नजर. दृष्टिकोण मतलब नजर. अरे हर कोने से मेरी नजर तो तेरे पे ही चची था. अरे इतने सारे लोग में एक तू ही तो अकेला मर्द है जिससे मैं थोड़ा गुटरगु कर सकती हूँ. अच्छा खरा खरा सांग बोला, शादी बना है क्या तू? पगार कितना मिलता है तेरे को? 35,000 से कम होएगा तो नहीं चलेगा. अपने को दादर ईस्ट स्टेशन पे एक मस्त गाला खरीदने का है, 2 साल में पैसा डबल, लोन खलास, बोल चलेगा? मैडम क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप? इश्क. आप सीधा सीधा मैडम से जज्बात सीखिए ना, आपके भाषा में कहते हैं फीलिंग, फीलिंग सीखिए. आइए इधर, आइए इधर. गाबरेट.
तरबूजा कहता है हमारा कि बीमार झाड़ का नहीं नहीं झाड़ने झाड़ने बीमार पेड़ का इलाज करने को ताबड़तोब उसके नीचे जा नीचे नीचे नहीं कहते जड़ 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 हाँ उसके जड़ में जाके बीमार झाड़ का पत्ता उड़ाने का अरे नहीं होएगा मेरे से कौन बोलता रहे ऐसा और वो झाड़ को इतना प्रॉब्लम है ना तो उसको तेरे वो जहाज पे बिठा समुद्र में ले जा और विसर्जन कर दे खाली पीली अम्मा हटाओ इसको हटाओ ये सब क्या चल रहा है ये सब हाँ मजाक लग रहा है तुमको ये सब हटाओ ये अभी हटाओ अरे कशला काय को क्या मस्त लग रही है मैं देख एक नंबर वो देख तेरी ए तेरी हसीना फुसली बम कान में कुछ नहीं गले में कुछ नहीं एकदम ऐसी रूखी सूखी क्या मजा आता है इसको देख के मैं मेरे को देख क्या मस्त लग रही है मैं दागीने बीगीने सब पहन के अभी थाने में औरत लोग आएंगे कंप्लेन लिखाने को अपने दागीने के बारे में बात करना चालू कर देंगे ना कंप्लेन साइड में केस सॉल्व एक नंबर मैं बता रही हूँ असली हसीना मैचे ये तो खाली नाम की हसीना है सस्ती और ना टिकाऊ चली भी नहीं मर गई अम्मा ओ आइंदा मैडम सर के बारे में कुछ भी बोलोगी ना तो सोच समझ के मुंह खोलना समझ के यही सही रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए तुमको यहाँ लेकर आए हैं हम ठीक है तुम हमारी जिम्मेदारी हो इसलिए हम तुमको कुछ कह नहीं रहे वरना दो कर जमीन के अंदर दबी हुई होती अभी तुम समझी मजाक लग रहा है तुमको तफरी चल रही है यहाँ पर हाँ गंभीरता समझो तुम इस सिचुएशन की तुम्हारे लिए ये 2 मीटर का कपड़ा होगा ये खाकी लेकिन हमारे लिए सब कुछ है हमारा मान सम्मान हमारा अभिमान सब कुछ है समझ रही हो हमारी बात को तुम ये जो तुम अपने घर में पौआ लगा के सोती हो ना आराम से ये इसलिए सो पाती हो क्योंकि ये खाकी तुम सबकी रक्षा करने के लिए भार होती है तुम घर के अंदर सेफ रहो इसलिए हम भार होते हैं तुम्हारा ये ठेला जो तुम लगाती हो ये रात भर भार रहता है इसकी रक्षा कौन करता है हा? इसकी रक्षा भी ये खाकी करती है समझे तुम कुछ भी क्या बोलती उर्मी सुन के नहीं लेती किसी का भी अच्छा अरे मैडम इतना टेंशन काय को लेने का मैं कर रही है ना मैं कर रही ट्रेनिंग ये देख मैं सब पहन कर आई अच्छे से मैं बोल के भी दिखा रही अभी इससे ज्यादा क्या करूं मैं ए देखो सुन लो मैं अपना जो अपना धंधा पानी अपना सब बंद करके माउली को उधर अकेला छोड़ के इसके लिए नहीं आई कि तुम लोग के ऐसी शक्ल देखूं 2000 देते हो मेरे को 2000 में इतना ही चोता है जमता है तो बोलो नहीं तो जा रही मैं वापस संभाल लो ढूंढ लो किसी और को खल्लास हाँ जाओ तुम अपने शहर चली जाओ वहीं अच्छी हो तुम वहां रोज पुलिस के साथ तुम्हारी जय जय है आधा दिन हवालात में आधा दिन अपने ठिए पर वहीं म्युनिसिपैलिटी का टेंशन हफ्ते का टेंशन तुम्हारे लिए यही सब अच्छा है एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तुम्हें वर्दी पहनने का सम्मान मिल रहा है तुम्हें मगर तुम्हें यह मौका नहीं चाहिए तुम्हें इस मौके की कदर नहीं है क्योंकि पता है तुमको इस वर्दी के लायक ही नहीं हो तुम ए महतारी दिमाग का भाजी पाव करने का नहीं, नहीं तो नहीं तो क्या क्या नहीं तो इस तरीके से बात करते बड़ों से तू तड़ा करके कुछ संस्कार नहीं दिए तुम्हें घर वालों ने बहुत संस्कार है मेरे में मैं फुल संस्कार और ईमानदारी के साथ ही अपना वड़ा पाव का ठेला चलाती है तभी तो 1000 रुपए कमाती है दिन का अपनी कमाई की झोंस किस पे जमा रही हो तुम हम पे हमने तुम्हारा पूरा हिसाब किताब देख लिया है कमाई का 1000 रुपए कमाती हो तुम और हम तुम्हें 2000 रुपए दे रहे और वो भी कैसे दे रहे हमारे पेट काट काट के हमारे पूरे महीने का हिसाब बिगाड़ के वो सिर्फ हमें ही पता है चीते अभी अभी इसे स्टेशन छोड़ के अभी निकलेगी तो 10:30 बजे की ट्रेन भी मिल जाएगी इसे जब से आई है बस सर पे चढ़ के बैठी है 2000 रुपए दिए ना तुमको वो तुम्हारे पास रखो नहीं चाहिए हमें तुम्हारे एहसान जाओ जा क्यों नहीं रही हो जाओ अच्छा गवाद बड़ा पावन क्या सॉलिड आल्ट है मेरे तू ले पारी हे तेरे जैसी सास होएगी तो ससुराल में क्या मजा आएगा तेरे को बहुत मजा आता होगा नहीं और सुन आइटम उसकी सास है मेरी नहीं ये मत समझना कि तू बोल रही है इसके लिए मैं रुक रही है उर्मिला अपने मन की मालिक है और कभी भी कोई भी काम ऐसा अधूरा छोड़ के नहीं जाती है इसलिए जब तक तुम लोग का ये मच खत्म नहीं होता मैं इधर ही चलेगी तेरे नाक के नीचे क्या हो जाएगा पुष्पा जी क्या सोच रही हैं आप हाँ कांटों के झाड़ पे क्या फूल उग जाएगा नहीं सुधरने वाली है ऐसी की ऐसी ही रहेगी छोड़ो हमारे इकट्ठा
क्या नहीं हो सकता करिश्मा सिंह? तजुर्बा कहता है हमारा कि बीमार पेड़ का इलाज कभी भी पत्ते छाटने से नहीं होता, उसके लिए हमेशा जड़ को ठीक करना पड़ता है। तेजाब से कभी भी जख्म धोए नहीं जाते, जख्मों पर हमेशा मरहम ही लगाना पड़ता है। इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत करने की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। ऐसा किया ना पर्दा फाड़ परफॉर्मेंस। क्या बोली थी मैं? टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। बहुत बढ़िया किया तुमने। तुमने रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट सीनियर है मैं तेरी। आपने तेरे को चलेगा क्या आइटम? नजर उतार, अपनी नजर उतार, आज से मीटर चालू। चले मैडम सर। चलिए। हसीना मलिक वापस आ गई है। ड्राइव हासिल करो और मार दो हसीना मलिक को, और इस बार किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। वड़ा पावत। जय हिंद। हाँ हाँ, जय हिंद जय जय। अरे बाबा विठ्ठला, इतना बड़ा थाना। अरे ये थाना कम, तावड़े भाव का मैरिज हॉल जास्ती लग रहा है। नहीं ये वैसे इतने बड़े थाने में तुम 5-5 लोग काम करते क्या? अरे आधा थाना फिर भाड़े पे चढ़ाने का ना, 15,000 तो मैं ही निकाल के देगी इसका। छोड़ो, जानते हो अभी तुम लोग को क्या मैं धंधा सिखाऊं? खाली फुकट में अपना दिमाग खराब कर रही है। यार हमें तो लग रहा था कि हसीना मलिक लुढ़क गई। ये क्या, ये तो थाने आ रही है। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, उठाते हैं इसको, हार्ड डिस्क बरामद करते हैं, लगा देते हैं ठिकाने। अरे नहीं रे, भूल गए कैप्टन ने क्या बोला था? इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हसीना मलिक को हम उसी वक्त उठा सकते हैं जब वो अकेली होगी। इस वक्त करिश्मा सिंह उसके साथ है, ये भारी पड़ सकती है। तो क्या ऐसे देखते रहें? करिश्मा सिंह तो हसीना मलिक को एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती। 24 घंटे कुंडली मार के रहती है उसके चारों तरफ, घर में रखा हुआ है। मन तो करता है कि उसे दोनों को ठोक दे। मिले यार, मौका मिले ना मिले। जा जा अभी जा, दिमाग खराब है क्या तेरा? पुलिस स्टेशन है, मार्केट है, खुद का करियर तो बर्बाद करेगा ही करेगा, मेरा भी करेगा क्या? थोड़ा सब्र कर, यहीं रुकते हैं।
हमें हेडक्वार्टर से फोन आया, हम वहां से होकर आते हैं, इनको सब समझा देना, ठीक है? जी मैडम। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। टाटा मैडम। ए वैसे तुम लोग का थाना बाहर से मस्त चकाचक लगता है। बाहर से मतलब आप तो ऑलरेडी अंदर खड़ी है ना? अरे मेरी सफेदी की चमकार में डायरेक्ट अंदर जाती है ना सीधा लॉकअप में, इसलिए बीच का सब देखने का कभी टाइम नहीं मिला अपने को। मस्त बना इंटीरियर मिंटीरियर खर्चा किया है तुम लोग ने। ए? क्या रे टकले तू अंदर कैसे? चोर है वो, चोर है। हाँ? जी चोर था अभी इन हाउस हूँ। तू चोर है मतलब मेरे आने से पहले ही चोर आ गया? अरे इसी का तो इंतजार था डार्लिंग। माँ ये आप अंदर आके क्या कर रही है? देख अभी क्या है, हाँ? मैं है पुलिस, तू है चोर, हाँ? तो स्वागत करना तो बनता है ना। एक मिनट काय झाला? देखो मेरे को अच्छे से मालूम है कि पुलिस बात कम करती है और लाज जास्ती मरती है, वो तो कर रही है। मैं पुलिस है तो उसका स्वागत करना तो बनता है ना, और इतना ट्रेनिंग दिया मेरे को, थोड़ा फायदा उठाने दो का। एक मिनट, अरे वो चोर था, अब चोर नहीं है वो। वो हम लोग के थाना का मेंबर है और केस को सॉल्व करने में हम लोग का मदद करता है, समझिए आप। इधर तो चोर भी पुलिस है। सुन तू नहीं छोड़ेगा तो मैं भी नहीं छोड़ेगी, मेरे को चलता है। तो सुन नहीं मारेगी मैं, अरे बोला ना नहीं मारेगी। डांटो मत। सॉरी बबलू। बिल्लू। बिल्लू सॉरी, अपने को मालूम नहीं था क्या कि तुम इधर का इन लोग का इतना स्पेशल गेस्ट है? हाँ। वैसे तो उर्मिला कभी कोई गलती करती नहीं है, पर करती है ना तो सॉरी भी फटक से बोलती, इसके लिए सॉरी। फ्रेंडशिप देगा? फ्रेंडशिप? हाँ फ्रेंडशिप, माँ वीग और बाम मंगा लेना। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा सब मिलेगा, आज से अपन दोनों फ्रेंड्स। अभी सोमवार बुधवार और शुक्रवार दारू का इंतजाम तू करेगा अपने लिए, हैं? मस्त दोनों दोस्त जेल के अंदर बैठेंगे और ये सीन गल्ला गीला करेंगे। हाँ। और फिर बैठकर पूरी दुनिया की मदर सिस्टर एक करेंगे। और पैसे? क्या रे दोस्तों के पैसे मांगता है, क्या फायदा इतनी बड़ी वर्दी पहनने का जब पैसा लगाना पड़े तो। आज से नो खर्चा खाली चर्चा, क्या बोलती पब्लिक? तो ये हमारी मैडम सर का केबिन है। अल्लाह इसमें तो मेरी आधी बस्ती आएगी रे। जी क्योंकि करिश्मा मैडम अब नहीं है यहाँ पर, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी बोलना हो तो आप मुझसे बोल सकती हैं। नक्की कुछ भी? जी। हाँ बढ़िया। दो बात, इस चेयर पे आप हरगिज नहीं बैठ सकती हैं और इस केबिन से भी बाहर नहीं निकल सकती हैं। अरे तो किधर बांधा नहीं अपने को? ये तेरी हसीना मैडम बहुत आराम करती थी क्या? नहीं मस्त ऐसा सोफे का सेटिंग करके रखे ला। कुर्सी पे नहीं बैठ सकती, इधर लेट सकती है डार्लिंग। अभी बोल। हाँ और आपकी गालों पे जो डिंपल पड़ता है वो बचपन से हमारी मैडम सर की तरह? ये भी तेरी करिश्मा मैडम पूछ रही है? नहीं ये मैं पूछ रही हूँ। अच्छा नहीं रे, बाद में म्युनिसिपैलिटी वाले आके खड्डा करके गए। अरे बचपन से ही चोएंगा ना एडी, कौन बाद में खुदवाता है। एक बात बता मेरे को, तू अभी बोली कि अगर मेरे को कोई काम होएगा तो मैं तेरे को बोलूं। हसीना मैडम की सेटिंग का नंबर है क्या तेरे पास? उनके बॉयफ्रेंड का। हैंडसम है क्या वो? जी। है किधर है अभी? ब्रेकअप हो गया। क्या ए कैसी बोरिंग है रे तेरी हसीना मैडम, मुश्किल से एक लड़का मिला उसके साथ भी सेटिंग खराब कर दिया। ला मेरे का नंबर दे, मैं उसके साथ वापस मस्त वाला सेटिंग बिठाएगा, माहिर है मैं इसमें। नंबर तो दे तू। देना देना ए सफेद की चमकार, देना नंबर। नहीं दे, दे, देती क्या रे? दे क्या रे तू, इतना बस नंबर नहीं है। जय फूड कौन है? जय जय जय। हां जय मैडम सर, इतने दिनों के बाद आपको थाने में देख के इतनी खुशी कि हम बता नहीं सकते। मत बताओ। कब से इंतजार कर रहे थे आपका हम, और आपके बर्थडे पर बर्थडे विश भी नहीं किया तो आज आ गए विश करने।
हैप्पी बर्थडे मैडम सर। ये तो मैं हम पहचानते हैं इस एक्टर को। आप वो कर रहे हैं ना, वो चंकी पांडे। छोड़ दो मिमिक्री छोड़ दो। चला वो एक महीना मैडम सर की पोस्टिंग मुंबई में थी ना। हाँ, तो थोड़ी बहुत वहाँ की भाषा चढ़ गई मैडम सर को। हाँ, 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 चाइला चाइला बोलना चाहती है वो, लेकिन आइला आइला सुनाई दिया होगा, है ना? हाँ, लेकिन वो चाय मांग रहे, चाय ला चाय ला। हाँ, और मैडम सर ये जो है इकबाल बदनाम बाहर बिरयानी और चाय की दुकान है ना, तो पिछले हफ्ते का जो बिल है वो उनके पैसे मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको पैसा मांगता है। चाहिए इनको पैसे चाहिए तो दे दो, आपके ड्रॉवर से दे दूं? हाँ दे दो जी। ये लीजिए। हाँ हाँ, गिन गिन बराबर गिन। ओ मैडम सर बोल रहे थे चाय ला, चाय लाओ। हाँ ले क्या ना। हाँ ले आइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये क्या, क्या कड़क, क्या कड़क एक्टिंग करती है। मैं एक नंबर, बहुत कड़क। आप प्लीज केबिन से बाहर मत जाइए, ठीक है? और मैं चाय भिजवाती हूँ, आप बैठिए। तू काहे के लिए टेंशन ले रही है, वो बदनाम लेकर आएगा ना, तू हल्की रहे। हाँ मैं इधर एकदम आहा अच्छे से सेट। अभी इस बार बच नहीं पाएगी हसीना मलिक अपनी मौत से।